गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। लिखा है एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बोलते हैं कि इंडिया की हर स्टेट में अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक असेंबली होती है, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर द ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLAs वेदर फॉर्म अ रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन मीटिंग टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे चाहे नेता चाहे MLA जो हैं वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, आपस में आके मिलते हैं और जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरह का डिस्कशन करते हैं। सम MLAs हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ MLA ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वन एज एन MLA एंड अदर एज अ मिनिस्टर। एक ये कि भाई वो MLA के रूप में काम करते हैं और दूसरा ये कि वो मिनिस्टर के रूप में भी काम करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बेटा, जब हम लोग वोट के थ्रू अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं यानी MLA को चुनते हैं, तो वही MLA जो जीते हुए होते हैं, फिर उन्हीं की जीती हुई पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, उन्हीं के ही MLA को हम लोग मिनिस्टर्स भी बनाते हैं, है ना। वही आपस में ही डिस्कस करते हैं वो लोग के कौन किस चीज़ का मिनिस्टर बनेगा। MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिवन सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। सॉरी, ये कहते हैं कि जो MLA होते हैं वो अपने जो ओपिनियंस हैं, जो अपनी राय है, अपने मशवरे हैं, उन्हें रख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी इशू के रिलेटेड और अपने सजेशन को भी दे सकते हैं, है ना, कि सरकार को इस मसले पर क्या करना चाहिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्स टू दिस, ठीक है, वो ये भी देख करते हैं कि भाई इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको करना चाहिए था। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू श्योर द असेंबली दैट एक्यूरेट स्टेप आर बीन टेकन, यानी कि कहते हैं कि और जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं जो आपकी सत्ता में हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं, उनको क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस के रिप्लाई करने होते हैं और साथ ही साथ लोगों को ये आश्वासन दिलाना होता है, यकीन दिलाना होता है कि भाई हमारी असेंबली की तरफ से यानी हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर या इस परेशानी पर या जो ये प्रॉब्लम चल रही है या जो इशू है ये, इसके ऊपर सही कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक एन डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, और क्या करते हैं फिर मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर होते हैं वो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को चलाना शुरू कर देते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द न्यूज़पेपर, और वो डिसीजन वो जो भी उन्होंने लिए हैं, जो भी स्टेप्स वो लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यूजुअली हम लोग टीवी पर देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना। हाउएवर व्हाट एवर, और उसके बाद क्या होता है, वॉट एवर डिस्कशन आर बींग टेकन हैव टू द अप्रूवल बाय द मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLAs, यानी कि अब क्या कहते हैं, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो आपके MLAs हैं, जो आपकी असेंबली है, उसके द्वारा क्या चीज़ को अप्रूवल मिला है और किस चीज़ को डिनाई कर दिया गया है। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक राज्य की अगर हम बात करें, दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, ये मेंबर्स आपस में क्वेश्चन भी पूछते हैं, डिबेट्स एंड इम्पॉर्टेंट इशू, डिबेट्स करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट भी होती है, डिसाइडेड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा, और ये भी डिसाइड करते हैं कि पैसे कहाँ पे खर्च किए गए, कहाँ उन्हें खर्च करना था, ये सारी चीज़ें। बेटा आप लोग ने मुझे नहीं लगता इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग टीवी पे देख चुके हैं, मूवीज़ बहुत सारी ऐसी आ चुकी हैं जिसमें इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, है ना। थस मेंबर हैव द मेन अथॉरिटीज़, है ना, इस तरह से हम मानते हैं कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेन अथॉरिटी होती है। अब आगे बताते हैं, दोज पीपल हु आर इन द पावर, वो पीपल जो पावर में है, ऑल्सो हैव टू द आंसर द क्वेश्चन राइजिंग इन द असेंबली एंड अश्योर द मेंबर दैट अप्रोप्रिएटिव स्टेप्स आर बीइंग टेकन, ठीक है। अब जो पावर में मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके असेंबली से नॉर्मल लोग जो है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे MLAs हैं, उनसे
क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप हमारे इसके इस मुद्दे से रिलेटेड क्या काम कर रहे हो, बताओ आपने कोई इसके लिए कदम उठाया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई इसके लिए भी काम कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस। इसके अलावा दिस टॉपिक आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन अ न्यूज़पेपर एंड अदर मीडियम, और यही टॉपिक फिर अलग अलग न्यूज़पेपर और बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे कि आपके सोशल मीडिया हो गया और आपका प्रिंट मीडिया हो गया, और इसके अलावा आपका जो ये मास मीडिया, इन सब के थ्रू क्या होता है, ये सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। विच द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर, जिसको गवर्नमेंट को आंसर देना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, लाइक ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है आफ्टर द डिस्कशन एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब आपका विधानसभा में जो डिस्कशन चल रहा है जब वो ख़त्म हो जाता है, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन। फिर हम क्या करते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं ताकि जो भी नेसेसरी, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब क्या हो जाए, आगे तक पहुंच जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी दूर मत जाइए, अभी आप सैटरडे की बात करें तो सैटरडे में केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने ये अनाउंसमेंट की कि भाई पॉल्यूशन के चलते हम लोग एक वीक के लिए स्कूल को क्लोज्ड करेंगे, बट ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो क्या वो मतलब सडनली फैसला हो गया, नहीं, उससे पहले उन लोग ने बैठ के अपने बातें की होंगी, अपने डिस्कशन किए होंगे कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआँ, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, बच्चों को सफोकेशन हो सकती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, सांस ऊब ऊब के आ रही है, खांसी आ रही है लोगों को। तो ये क्या, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको उन्होंने मद्देनज़र रखे हुए चर्चा की होगी पहले, फिर लास्ट में वो फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुँचे होंगे, इस कंक्लूजन पे पहुँचे होंगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें एक वीक के लिए बच्चों का स्कूल बंद कर देना चाहिए ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर बच्चे आसानी से स्कूल आ सकते हैं, है ना। अब ये बात तो उनके उस रूम तक ही है, हमें कैसे पता चलेगी। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं, और उसके बाद हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अपने वो जो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग चलाते हैं, और सबसे मेन थिंग इस व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस लग जाते हैं, है ना। तो क्या होता है ये चीज़, ये इसीलिए की जाती है ताकि वो खबर जो अभी तक एक रूम में थी वो पूरे सोसाइटी को, पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को पता चल जाए, ठीक है ना। अब तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई। तो अब देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन टू द प्रेस एंड द मीडिया पर्सनली अबाउट ऑल द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो पर्सनली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, और उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देते हैं, है ना। मीडिया वाले सवाल पूछते हैं ना, सर आपने ये कदम क्यों उठाया, सर इस कदम से बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, सर बच्चों के एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हाँ आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रेस में काम करती हूँ, हाँ ठीक है स्पीड थोड़ी तेज़ है, लेकिन मैं टीचर ही हूँ, मैं प्रेस में कोई काम नहीं करती, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई बेटा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रेस एंड मीडिया पर्सनली क्लियरिफाई डाउट्स। ये वही बात आ गई कि वो अपने सारे डाउट्स जो है उनको क्लियर कर लेती है। इफ़ एनी रिलेटेड टू द मीटिंग, मीटिंग से रिलेटेड कोई भी उनको अगर डाउट है तो पर्सनली मिनिस्टर साहब से उसी वक्त पूछ लेती है, जैसे कि अभी मैंने आपको नकल करके दिखाई उनकी। ऑल इन्फॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड शो ऑन द टीवी चैनल, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है या तो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हो जाती है या फिर टीवी पे शो हो जाती है। अब उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा मेरी वर्कशीट थोड़ी बड़ी होती है ताकि मैं आपको अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। पढ़ते तो सब है, वीडियो यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं अब तो, लेकिन क्या है बेटा, आप पढ़िए उससे जहाँ आपको समझ में भी आए। फर्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पटलापुरम एंड डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपका पटलापुरम में जो प्रॉब्लम थी उसको अपने टेक्स्ट बुक में से आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। उसको लिखना या नोट वोट बनाने को कुछ नहीं कहा गया, बस आपसे कहा गया है कि आप लोग उसे एक बार पढ़ें। या एक्टिविटी टू में आपको दिया गया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर एरिया, आपके एरिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है अबाउट विच यू वुड लाइक टू हैव अ डिबेट ऑन देम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू बी सॉल्व थ्रू। अब आप बताइए आपके एरिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर असेंबली में डिबेट हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखिए ये आंसर आप खुद से करेंगे कि आपके एरिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरली बात बताऊँ, अभी मेरा एरिया तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वेल सेटेड है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन अभी मैं सर्वे पे गई थी एक एरिया में, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी उसका,
तो वहाँ मैंने देखा बच्चे जो है गली में खेल रहे हैं। सोसाइटी अच्छी थी, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लोकल सोसाइटी हो, सोसाइटी अच्छी थी, घर भी काफ़ी अच्छे बने हुए थे उस सोसाइटी में। लेकिन क्या था, वहाँ एक भी पार्क नहीं था, बच्चे सारे गली में, सड़कों पे, रोड पे खेल रहे, अब उनको चोट लग सकती थी वहाँ पे। मुझे देख के बहुत हैरानी हुई, है ना, कि वो कैसे सोसाइटी के लोग हैं जो अपनी सोसाइटी में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक पार्क तक नहीं बनवा पा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए बेटा, अगर पार्क होगा तो बच्चे पार्क में खेलेंगे, ना कि वो रोड और गलियों में इधर उधर फिरेंगे, है ना। तो मुझे अगर लिखने को कहा जाता तो मैं उसी सोसाइटी पर, उसी एरिया के बारे में लिखती, और मैं यही कहती कि भाई आप लोग इस पे बहस करें, डिबेट करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे एरिया हैं अभी भी दिल्ली में जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो अब आप देखिए आपके एरिया में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग चाहते हैं सॉल्व होना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों ओखला भी गई थी यूनिवर्सिटी के काम से कुछ, तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि कूड़ा के इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैं तो बस जैसे तैसे भागी वहाँ से, है ना। तो क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अब ये कूड़े वाली प्रॉब्लम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये आपकी जो छोटा जो आपका लोकल एरिया होता है, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनकी होती है, ये है ना, ज़िला जिसे हम बोलते हैं। खैर चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। या फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके मतलब क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, विधानसभा इज़ अ प्लेस, विधानसभा एक ऐसी जगह है वी आर ऑल द MLAs, देखिए उसे हम विधानसभा भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह मैम अभी तो असेंबली कह रहे थे, तो उसे विधानसभा भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी विधानसभा हम लोग कह लेते हैं। वहाँ सारे MLAs बैठते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, और डिस्कशन करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग मैटर्स पर, अलग अलग इशूज़ पर, ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया जाता है। हाउ इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्पफुल इन गेटिंग अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए किस तरह से मददगार साबित होती है कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसके लिए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट इज़ नेसेसरी फॉर इन्फॉर्मेशन कैन बी फॉरवर्डेड, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई जाती है ताकि जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बातें हुई हैं, वो सारी सामने आ सकें, ठीक है। और हमारे लिए इसी तरह से हेल्पफुल है, इसी तरह से वो हमारी मदद करती है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब जो गवर्नमेंट ने किया है, जो भी गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं या जो भी उसने किया है, उसको सब चीज़ों को क्या करते हैं, या तो न्यूज़पेपर में हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या फिर टीवी चैनल पर शो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को भी यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।